दोस्तों नमस्कार। इस तरह के क्वेश्चंस आपने एग्ज़ाम में देखे होंगे जहां पर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको दे रखी होती है और x की अलग अलग पावर वाली जो टर्म्स होती हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो यहां पर हम स्क्वायर वाली जो टर्म्स होती है उसकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ दोनों ही जगह प्लस का साइन होना चाहिए, और यहाँ पर अगर अलग अलग साइन हो तब क्या करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि दोनों ही जगह प्लस का साइन है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि हमारी जो भी कैलकुलेशन होगी वहाँ पर हम घटाएंगे, यानी इसका उल्टा करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी है x प्लस वन अपॉन एक्स की, उसका करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि हम स्क्वायर वाली टर्म के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर चार का स्क्वायर किया, और चूंकि स्क्वायर वाली टर्म में स्क्वायर की जो घात होती है वो दो होती है, तो दो को ही हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 14, जो कि हमारा आंसर है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।